शिव, हम यहाँ क्यों आए? चलना काम पे चलते हैं। आज हमारा काम यहीं पर है। क्या? यहाँ कुछ होने वाला है। तो हम भी उसमें हिस्सा लेने वाले क्या? तूने आदमी को पकड़ा और उनको जानकारी दे दी, यहाँ इतनी सारी पुलिस और मिलिट्री है, हमारा यहाँ क्या काम? किसी ने हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मार दिया, तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं? शिवा, मैंने सारी लिस्ट चेक की है, इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट्स को हैक करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ये शॉर्ट रेंज आइटम्स, जरूर हैकर 100 मीटर के दायरे के अंदर ही होगा। 100 मीटर के अंदर? अरे तो कर क्या रहा है? रुक, walking out, all units alert. सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो दुर्घटना घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सिंगापुर की सरकार से अपील की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाए। हम आप लोगों की हर प्रकार से मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। अरे शिवा, मानवता के अधार पर भारत की सरकार हमेशा भारतीयों के साथ खड़ी रहेगी। इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। ये है शॉर्ट रेंज आइटम्स। आने वाले दिनों में आपके गुरु, ये क्रिमिनल नहीं है, प्लीज इसे खोल दीजिए। सर, ये इसी एरिया का है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूं, मुझे एक बार इससे बात करनी थी। दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ। हमें पता है कि कल तुम्हारी इससे बात हुई थी। आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। मुझे ऑर्डर है कि सिचुएशन कंट्रोल में करूं, आपको भी डिटेन करना होगा प्लीज। सुना है कि तुम एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो, निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। कहां से ट्रेनिंग ली? ISIS, लश्कर तैयबा? सर, आप यहां जितनी देर करेंगे कातिल को भाग जाने के लिए उतना ही वक्त मिलेगा। तुमने मंत्री को मारा है, गन के साथ पकड़े गए हो, और अब कह रहे हो कि कातिल कोई और है। अगले 2 मिनट में आपका फोन बजेगा और उसके बाद आप मेरी मदद मांगोगे। डू इट। सर,
ऑर्गेनाइजेशन से हो? कब से ये सब प्लान कर रहे हो तुम लोग? जवाब दो। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड सर। मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दिए, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है। लेकिन खास बात ये है कि जिस लड़के ने उन पर गोली चलाई वो मारना नहीं बल्कि उन्हें बचाना चाहता था। जरा विस्तार से बताओ। मिनिस्टर मैडम को हार्ट प्रॉब्लम है। पिछले साल उन्हें एक पेसमेकर लगाया गया था और एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स उस पेसमेकर को मॉनिटर कर सकते हैं। आज हमने जब नया पेसमेकर लगाया तो पुराने डेटा को एनालाइज किया। नॉर्मली हार्ट की स्पीड 70 से 100 के बीच होती है, लेकिन जब उन्हें गोली मारी गई तब उनकी हार्ट रेट 200 से ऊपर थी। एंड दिस इज क्वाइट अननेचुरल। किसी ने उनका पेसमेकर हैक किया था। इज इट पॉसिबल पेसमेकर हैक किया जा सकता है? सर, 2010 में जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को धमकी मिली थी ना, तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल ऑफ कर दिया था। ओह, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। जिसने मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई उसे कुछ ऐसा मालूम है जो हम नहीं जानते। उसने सटीक निशाना लगाया सीधा पेसमेकर के ऊपर। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि तुम हमारी मदद करना चाहते थे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? एक ग्लास पानी चाहिए। आपने मिनिस्टर के लिए जो पहला रूट तय किया था वही ज्यादा सेफ था। वहां हमला करना आसान नहीं होता, लेकिन उनका उनका रूट बदलवाने के लिए उन्होंने हमारी कम्युनिटी पर गैस लीक करके ब्लास्ट करवाया। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने गोली चला दी। लेकिन इस सब के बीच एक जरूरी सुराग मिला। इस वक्त वो कहां होगा इस बात का मैंने पता लगा लिया है। मैं सुन रहा हूं। पहले चाय। मेरे एक हैकर दोस्त ने बताया कि इक्विपमेंट की रेंज सिर्फ 100 मीटर है। इसका मतलब है कि उसने मिनिस्टर का पेसमेकर 100 मीटर के दायरे से हैक किया है। शायद वो उस जगह में रहता भी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पीछे जो ग्रैंड होटल है वो वहीं से ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उस होटल की 11वीं मंजिल तक ही वायर्स है। 12वीं मंजिल के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। होटल का लेआउट ठीक से देखो तो राइट विंग के आखिरी 3 कमरों में से एक हो सकता है। अगर अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि वो हमारा अभी वहां वेट कर रहा होगा? अचानक उसका सिग्नल कट कैसे हो गया? इस वक्त यही सोच रहा होगा। किसी को उस पर शक ना हो इसलिए होटल नहीं छोड़ेगा। टूरिस्ट की तरह पेश आएगा और कल चेकआउट करेगा। मैं होता तो यही करता। गुरु सर, अपनी टीम देकर। यस सर। पांच आदमी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम से है। मैं भाग नहीं सकता और भागूंगा भी नहीं। इतना बड़ा मिशन मेरी वजह से फेल हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इस सब का पता लगाने वाले ऑफिसर को मैं मिलना चाहता हूं। प्लान बी इनिशिएट करो। 1201 क्लियर। 1202 क्लियर। प्लीज एंथनी बैक। अप्रोचिंग सस्पेक्ट। मूव। ये तो आपके फोटोग्राफ्स हैं सर। सस्पेक्ट कंफर्म। आई रिपीट, सस्पेक्ट कंफर्म। रूम नंबर 1203। ऑल एविडेंस फाउंड। शिफ्टिंग टू पुलिस हेडक्वार्टर। शिवा,
मीरा ठीक तो है ना? बस 6 महीने पहले तुम्हारी उससे शादी हुई है। It's better you don't open your mouth. आज मंडे है और इस वक्त इसकी बीवी IIT कंपनी के फूड कोर्ट में खाना खा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। ए, अगर मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो एनकाउंटर कर दूंगा और कह दूंगा कि भाग रहा था। तुम्हारी 6 साल की बेटी अगर वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाए तो वो भी एनकाउंटर लगेगा क्या? किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अगर मैं इतना फुल प्रूफ प्लान बना सकता हूं तो क्या लगता है कि मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम की कोई जानकारी नहीं होगी मेरे पास? पता है कितने महीनों से मैं ये प्लान कर रहा हूं? मेरे आदमी हर लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला तो सबकी फैमिली से किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। फिर हो सकता है उस बैंक एम्प्लॉय की बीवी हो, या फिर हो सकता है कि ड्राइवर शर्मा की माँ हो जो हाल फिलहाल ओल्ड एज होम में रहती है। आज की शाम सबकी मौत तय है, लेकिन तुम डरो मत क्योंकि अपनों को बचाने का मौका है तुम्हारे पास। यहां से ठीक 800 मीटर आगे एक टनल आएगा, वहां मेरा एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनकर तैयार है। बस मेरी जगह उसे ले जा, तुम 6 लोगों के सिवाय किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। सिंपल, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। एक बार टनल पार कर लिया फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीफ, माय वाइफ। स्टॉप द व्हीकल। भरत, स्टॉप द कार। गुड डिसीजन चीफ। हमेशा की तरह टेररिस्ट अटैक बोल के केस क्लोज कर देना। बस एक सवाल का जवाब चाहिए। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद तुमने मुझे होटल के रूम से कैसे खोज निकाला? क्या इसके पीछे सिंगापुर पुलिस का दिमाग है? ओ, या तुम्हारे जैसा कोई इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर? तो कौन है वो? लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। ग्रोसरी स्टोर चलाता है? चार लोगों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं, उनमें से 2 के एक्सपायर हो चुके हैं। हम बॉडी कैसे हैंडओवर कर सकते हैं? प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज। सर, मरा हुआ आदमी क्या प्रॉब्लम पैदा करने वाला? वहाँ गांव में उनके घर वाले परेशान बैठे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर देता हूँ सर, आप प्लीज उनकी बॉडीज रिलीज कर दीजिए। मैं रिलीज कर भी दूं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोकेंगे। बॉडी के साथ डिस्को डांस थोड़े ने करना है। मुंह संभाल के बात। शिवा, चल चल यार। कैसे बात कर रहा था वो? बस यहाँ से वहाँ भगा रहा है हमें। हम यहाँ मेहनत की रोटी कमाने आए, चैन से जीने नहीं देते। कम से कम चैन से मरने तो दे। देख, उम्मीद मत छोड़ना यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर मूर्ति सर से बात करते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि अलकायदा का टेररिस्ट राशिद खान को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन रहे थे, कितना बड़ा काम किया। अगर तू नहीं होता तो सोची समझी साजिश के तहत ये कभी पकड़ा नहीं जाता।